शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दुरूद भेजता है। एक बार का वाकया है कि एक बादशाह के दिल में ये ख्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर मुझे ये मालूम हो जाया करे कि सही काम करने का सही वक्त क्या है, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सख्त जरूरत है और वो कौन से मामूलात हैं जिन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। दिल में ख्याल आते ही बादशाह ने अपनी पूरी सल्तनत में ऐलान करा दिया कि जो शख्स बादशाह के इन तीन सवालों के मुतमईन कर देने वाले जवाब देगा उसको इनामो इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। सल्तनत के बड़े बड़े आलिम फाजिल, शायरों, अदीब, फलसफी और जहीनों अकलमंद लोग बादशाह की खिदमत में अपने अपने जवाब लेकर हाजिर हुए, लेकिन कोई भी शख्स बादशाह को अपने जवाब से मुतमईन ना कर सका। आखिरकार बादशाह ने तय किया कि वो उस बुजुर्ग दरवेश की खिदमत में हाजिरी देगा जो एक सुनसान जंगल में रहता है और सिर्फ आम आदमियों से ही मुलाकात करता है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल उर्दू इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बादशाह ने उस दरवेश से मुलाकात करने की गरज से आम आदमियों वाले कपड़े पहने और उसकी मामूली सी झोंपड़ी में कुछ दूर ही अपने घोड़े से उतर पड़ा और अपने सिपाही को छोड़कर उससे मिलने के लिए अकेले चल दिया। जब बादशाह झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उस वक्त वो दुर्वेश अपनी झोंपड़ी के सामने पड़ी हुई जमीन में गुड़ाई कर रहा था। बादशाह को देखते ही उसने अपनी आदत के मुताबिक पहले सलाम किया और फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गया। बादशाह ने दुर्वेश की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज किया, ए बुजुर्ग दरवेश, मैं आपके पास अपने तीन सवालात के जवाब लेने आया हूं। दुर्वेश कहने लगा, जी हुजूर, पूछिए। बादशाह ने पहला सवाल किया, सही काम करने का सही वक्त क्या है? दूसरा सवाल किया, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सख्त जरूरत है? फिर तीसरा सवाल किया, वो कौन से मामूलात हैं जिन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए? दुर्वेश ने बादशाह के तीनों सवाल बहुत गौर से सुने लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फिर जमीन गोड़ना शुरू कर दी। कुछ देर देखने के बाद बादशाह दुर्वेश से कहने लगा, आप थक गए होंगे, लाइए फावड़ा मुझे दे दीजिए, थोड़ी देर आपका काम मैं करूंगा। दुर्वेश ने बादशाह को शुक्रिया कहकर फावड़ा पकड़ाया और खुद जमीन पर बैठ गया। जब बादशाह दो क्यारियां गोड़ चुका तो उसने फिर अपने सवाल दोहराए, लेकिन दुर्वेश ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो उठ खड़ा हुआ और बादशाह से फावड़ा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहा, अब तुम दम भर आराम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो। लेकिन बादशाह ने दुर्वेश को फावड़ा नहीं दिया और जमीन की गुड़ाई करता रहा। इस तरह वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे शाम हो गई। अंजामकार बादशाह ने जमीन पर आखिरी फावड़ा मारते हुए कहा, बुजुर्ग दुर्वेश, मैं आपके पास अपने तीन सवालों के जवाब लेने आया था, अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो कह दीजिए ताकि मैं अपने घर लौट जाऊं। बुजुर्ग ने जवाब देने की बजाय पीछे मुड़कर देखा और बोले, देखो कोई आदमी इधर ही भागा हुआ आ रहा है, आओ देखें कौन है। बादशाह ने अपने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी जंगल से झोंपड़ी की तरफ भागा आ रहा है। वो शख्स अपने हाथों से अपना पेट दबाए हुए है और खून उसके हाथों के नीचे से बह रहा है। झोंपड़ी के करीब आकर वो शख्स कराहता हुआ बादशाह के पास आया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बादशाह और दुर्वेश ने उस आदमी के जख्म को गौर से देखा, उसके पेट पर बड़ा सा जख्म था। बादशाह ने जहां तक हो सका उसके जख्म को अच्छी तरह साफ किया और उस पर अपने रुमाल से पट्टी बांधी। बड़ी मुश्किल से उसका खून बहना बंद हुआ। अब सूरज डूब चुका था, ठंडक भी बढ़ चली थी, इसलिए बादशाह ने दुर्वेश की मदद से जख्मी को झोंपड़ी के अंदर पहुंचा दिया और उसको चारपाई पर लिटा दिया। कुछ देर बाद वो जख्मी शख्स सो गया। बादशाह भी दिन भर की दौड़ धूप और काम की वजह से इतना थक गया था कि वो दुर्वेश की दहलीज पर ही सो गया। सुबह जब बादशाह की आंख खुली तो उसने देखा कि चारपाई पर पड़ा हुआ जख्मी अपनी चमकती हुई आंखों से उसे टिकटिकी बांधे देख रहा है। थोड़ी देर बाद उस जख्मी ने बादशाह के कदमों में गिरकर इल्तिजा की, बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह कहने लगा,
मैं तुमको नहीं जानता, और जब जानता नहीं तो माफ करने या ना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जख्मी कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपका दुश्मन हूं। आपने मेरे भाई को कत्ल करा दिया था और उसकी जायदाद जब्त कर ली थी। मैंने अहद किया था कि आपको कत्ल कर दूंगा। आज जब मुझे मालूम हुआ कि आप दुर्वेश से अकेले मिलने गए हैं, तो मैंने तय किया कि आप जब वापस लौटेंगे तो मैं आपको रास्ते में ही कत्ल कर दूंगा। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और आप वापस नहीं लौटे, तो मैं आपका पता लगाने के लिए अपने ठिकाने से बाहर आया। जल्द ही आपके मुहाफिज सिपाही से मुठभेड़ हो गई। उसने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। मैं भी उसके सर में एक पत्थर मारकर भाग निकला। अगर आप मेरे जख्मों पर पट्टी ना बांधते तो मैं ज्यादा खून निकल जाने की वजह से मर जाता। मैंने आपको कत्ल करना चाहा, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। अब अगर मैं जिंदा रहा तो सारी उम्र गुलाम बनकर आपकी खिदमत करता रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह करके और उसे दोस्त बनाकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने उस जख्मी को माफ ही नहीं किया, बल्कि उससे ये भी कहा, मैं अपने खादिमों और शाही तबीब को तुम्हारी देखभाल और इलाज के लिए भेज दूंगा और तुम्हारी जायदाद भी वापिस कर दूंगा। जख्मी आदमी से रुखसत होकर बादशाह झोंपड़ी से बाहर आया और दुर्वेश को इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जाने से पहले वो एक बार फिर अपने सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। दुर्वेश अपने घुटनों पर झुका हुआ उन कयारियों में बुआई कर रहा था जो एक रोज पहले गोड़ी और बनाई गई थी। बादशाह दुर्वेश के पास पहुंचा और बोला, बुजुर्गवार, मैं आखिरी बार अपने सवालों के जवाब की दरख्वास्त करता हूँ। दुर्वेश सुनकर बोला, तुम जवाब पा चुके हो, लेकिन शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। खैर, मैं तफसील से बताता हूँ। अगर तुमने कल मेरी बुजुर्गी पर तर्स खाकर उन कयारियों को मेरे लिए घोड़ा ना होता और अपने रास्ते चले गए होते तो वो आदमी तुम पर हमला कर देता। इसलिए वो वक्त बहुत अहम था जब तुम कयारी घोड़ रहे थे। मैं बहुत अहम आदमी था और मेरे साथ नेकी करना सबसे अहम काम था। बाद को जब वो आदमी भागकर हम लोगों के पास आया तो वो बड़ा अहम वक्त था, क्योंकि तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। अगर तुम उसके जख्मों पर पट्टी ना बांधते तो वो तुमसे सुलह किए बगैर मर जाता। इसलिए वो अहम आदमी था और जो कुछ तुमने उसके साथ किया वो बहुत अहम काम किया। इसलिए याद रखो, एक ही वक्त बहुत अहम है और वो है अब, यानी मौजूदा वक्त। इसलिए कि यही वो वक्त है जब हमें कोई मौका और कोई ताकत हासिल रहती है। सबसे अहम आदमी वो है जिसके साथ तुम हो, इसलिए कि किसी को नहीं मालूम कि फिर कभी उससे मामला पड़ेगा या नहीं। और सबसे अहम काम ये है कि जो आपके साथ हो उस पर नेकी की जाए, क्योंकि इंसान को इसी मकसद से जिंदगी अता हुई है। इतना कहकर दुर्वेश फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। तो दोस्तों, अपना वक्त जाया मत कीजिए, किसी ना किसी अच्छे काम में लगाइए, क्योंकि हर वक्त अहम है। और अपने गिर्दो नवा अजीजो अकारिब का साथ दीजिए, क्योंकि आपके आसपास रहने वाला हर शख्स अहम है। और हर वक्त नेकी की तलाश में रहिए, क्योंकि नेकी के मामलात ही ऐसे हैं जिन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बरवक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।